मिलती, मैं सारे दिन थक जाती हूँ काम कर करके, और आप इग्नोर मारी जाते हैं, इग्नोर करी जाते हैं। आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे होते हैं जब आप कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, 8 बज चुके हैं, सुबह हो चुकी है, बच्चे अभी भी सोलो ठीक कर रहे हैं क्योंकि सैन में धूप लगी हुई है और बच्चों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। जैनब ने बच्चों को बना के दिया है, मैंने अपने लिए खुद बनाया उठ के, और आज जैनब का लास्ट डे है इधर क्योंकि कल जैन में चले जाना है, सुबह सवेरे जाएंगे इंशाल्लाह। वो व्लॉग भी आप लोगों से शेयर करूँगी। देखें आज की रूटीन क्या है, भाई आपके बात लेके अंदर की है, अभी अभी बच्चों ने बात लेना है इनको, कल फिर सुबह सुबह बात दिलवा दूँगी या फिर रात को दिलवा के सुनाऊँगी क्योंकि सुबह जल्दी निकलना होगा। तो बस देखें आज की रूटीन क्या है। फिर शर्ट जैनब की ये देखें, इस तरह कुछ स्टिच की थी, इस तरह इसका नेक बनाया था, मतलब कि बुकरम रखे बाहर, ये इस तरह गोल, ज़्यादा डीप नहीं बनाया, और बाजू के आगे इस तरह लैस लगाई है। ये नीचे था बॉर्डर लेकिन ये मैंने ऊपर किया, जैनब को नहीं अच्छा लग रहा था, उसने कहा मामा ऊपर कर देना है बॉर्डर। और ये इसकी लैस है, बाजुओं पे इस तरह सिंपल सी छोटी छोटी सी मैंने लगाई थी, और उसके अलावा बाकी सारी शर्ट इस तरह सिंपल है इसकी, इस बाहर मैंने लटकाई ये आप लोग को बताने के लिए। और इधर जो है ना, इधर मैंने लैस लगाई है, एक दफ़ा नीचे की तरफ मोड़ के, एक दफ़ा ऊपर की तरफ मोड़ के। अब जैनब जब पहनेगी इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे लग रहे हैं। इसके साथ हाफ वाइट ट्राउज़र है और वाइट दुपट्टा जो है वो घर में पड़े रहते हैं काफ़ी सारे, तो मैंने कहा वाइट दुपट्टा भी साथ दे लेना। आप लोगों ने बताना है कैसे स्टिच की है, अब हम पता नहीं क्लियर नज़र आ रही है नहीं आ रही, वीडियो नहीं बन रही आप क्या हुआ जोरी को बोली दूसरा कलमा शहादत, शहादत मीन ये अब्दुल्ला आज का मतलब कि कल ऐसे जाना था ना, तभी कल जो है कैंसिल हो गया, परसों जाना है, ये लगे हुए मेरे साथ। अच्छा जी, ये काम करवा रही हूँ मैं ज़ियाउल्लाह को, कुछ इसका काम रहता था तो मैंने कहा अभी कर लो, जे ना फिर वापस आओ तो फिर टाइम ही ना बच्चे मेरे शहजादे के पास। चलो लिख लो, ये देखें ये ज़ियाउल्लाह लिख रहे हैं आसमानी किताबें कि इनके नंबिया कहाँ पर ना। अच्छा उर्दू इनकी अभी अभी आई है तो इसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है उर्दू में। चलो पुत्र जल्दी लिखो। फादमा आप क्या खा रही हो, टुकड़ा खा रही हो गंदा बेबी? अरे देखिए काफ़ी पसीना आया हुआ है मुझे, और 6:00 हो गए हैं 14 मिनट। हाँ फातिमा ज़ियाउल्लाह को पानी दे रही है अपने भैये को, और बस जैन भी पैकिंग शेकिंग कर रही है अपनी, बाकी बच्चों की तो मैंने कर ली है कुछ, और कुछ शायद जाते जाते हो जाए। अब्दुल्ला वो बैठ के काम लिख रहा है, उसका एक इस्लामियात का काम रह गया था और वो इस्लामियात का काम कर रहा है, ज़ियाउल्लाह भी इस्लामियात का कर रहा है, तो बस इनका काम शाम ख़त्म हो जाएगा कल तक, तो इंशाल्लाह फिर चले जाएंगे। जो याद करने का होगा मैंने क्या कापियाँ या बुक साथ ले जाना, याद कर लेना, क्योंकि जैसे ही इनके स्कूल आन होंगे तो 1 महीने बाद आन हो जाएंगे और फिर जाते ही टेस्ट होंगे इनके, तो अब देखिए उधर कितने दिन रहेंगे कोई पता नहीं है। इंशाल्लाह अगर गए तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, अकेले अकेले हो जाएंगे हम पीछे। ज़ियाउल्लाह अभी तक काम कर रहे हैं, ये देखिए आखिरी क्वेश्चन है इसका, आखिरी टास्क है। और फातिमा को अभी पाउडर डाला है, प्रिकलीट गर्दन में भी जूड़ा बनाया है, ये हर वक्त बाहर खोली रखती है ना, आप सब ने इसको कहना है बाहर बांध किया करे। और ज़ोया रानी की 2 पोनियाँ बनाई हैं, ज़ोया की 2 पोनियाँ बनाई हैं ताकि इसको गर्मी ना लगे, हाँ हाँ। और साथ साथ जो है जोया इधर भैया के पास बैठी हुई है, अब्दुल्ला भैया खाना खा रहे थे, इसको भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इसकी 2 पाई पाई पोनियाँ बन गई हैं ना, आओ मैं उठाऊँ आपको ना बेबी, हाँ काके थी हो ये देखिए तीतर फिर स्टार्ट हो गए हैं, फातिमा इनको चुप कराओ ना। अच्छा जी, गर्मी वाकई बहुत बहुत ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है चूना गर्मी तो होगी, और बच्चों के भी बुरे हाल हो रहे हैं, ये देखें जरा जोया को इतनी ज़्यादा गमी दाने निकल रहे हैं, हालांकि नाइयाँ भी करती है 2-3 दफ़ा दिन में नहाते हैं, फिर भी जो है पाउडर वगैरह भी डालती हूँ शिजाजा मेरा, और लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपके भाई ये फातिमा को कुछ बता रहे हैं,
क्या देख रही हो फातिमा? बंदर लड़ाई कर रहे थे। क्या हाल है आप लोगों का? खैर मैं ये बंद कर लूँ, थोड़ी सी बात करूँ आपसे। कैसे हैं आप लोग? मैं अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं तो हम लोग नहीं जा सकते, काश के ये चूजे मुर्गियों का काम ना किया होता तो फिर हम भी चले जाते उधर ही, महीने दो महीने गुजारते। लेकिन चलें ठीक है, इन्हें ये भी मेरे हमारे पास रहेगी, ये कहती है मैं नहीं जाती। बाकी बच्चे चले तो जुलाई का महीना गुजार लेंगे, एक महीना डेढ़ महीना वो गुजार के आ जाएंगे, फिर जब स्कूल करीब होंगे तो इंशाल्लाह जाके ले आऊँगा। और आप लोग सुनाएं, आप लोग ईद की तैयारियां कैसे कर रही हैं, क्या क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा, ये सारा बताया करें हमें, कमेंट में तो बताया करें। आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे, तो उसका जवाब आपके भाई ने दे दिया, शुक्र है दे दिया ने, मुझे तो याद ही नहीं था, मेरे माइंड में नहीं था। और बार बार आप लोग कह रहे हैं परांदा पहने परांदा पहने, आपने मुझे एक परांदा ला के देना है। अच्छा मेरी बात सुने, आपने मुझे एक परांदा ला के देना है। इंशाल्लाह कल लेके जाएंगे, परांदा भी ले आएंगे, और कल का व्लॉग आपने लाजमी देखना, कल का व्लॉग बहुत ही अच्छा होगा। हाँ जी, किसी के लिए गिफ्ट लेना है और साथ साथ जो है अपना परांदा भी लूँगी, आपके भाई की पसंद करूँगी, फिर देखना है आपने पहन के बताऊँगी। वैसे मुझे पहनना नहीं आता, कोशिश करूँगी। अभी बज गए हैं जी रात के 11:03, सामने टाइम आ रहा है, और जोया को देखें, जोया को अभी मैंने मुँह तो है ही, मेरे साथ भाई परांदे में थी, मैं पानी वगैरह रख रही थी बॉयल करने के लिए, क्योंकि रात को करती हूँ फिर सुबह तक जो है ठंडा हुआ होता है, फिर उसमें बर्फ़ वगैरह डाल देते हैं। ये देखिए शरारती इंसान को, अभी भी नींद ही नहीं आई। बाकी सारे सो गए हैं भाई आपके जो मोबाइल में लगे हुए हैं, और अब वो कह रहे थे जोया की टांगों को तेल लगाया, सची में इसकी मालिश की है, इसकी टांगों में ना वो थकन से गिर गया, नहीं पहन जाती वो बनी हुई थी। तो आपके भाई कहते हैं मुझे भी, मेरी भी टांगें जो है ना गिल्डियाँ बनी। मैंने कहा मैं नहीं मलती, मैं सारे दिन थक जाती हूँ काम कर करके, और आप इग्नोर मारी जाते हैं, इग्नोर करी जाते हैं। आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, जब आप कहती हैं कि मुझे यहाँ दर्द है तो ये भी कहते हैं अच्छा ऐसा मुझे भी यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द है, पर बड़ा ही गुस्सा आता है जब ऐसे इग्नोर करते हैं ना। बंद कर देखते खा लूँ लेकिन खा नहीं सकते। बस अभी मैं फ़िलहाल बहुत थकी हुई हूँ, अभी मैंने सहन धोया है दोबारा से रात के टाइम पर, और सहन भी तो है क्योंकि सुबह धूप हो जाती है। सुबह में अक्सर ऐसा होता है कि आजकल लेट हो जाती हूँ, रात को देर से सोती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ, तो बस फिलहाल को तो जा रहा है लंबा। बहन को दुआ में याद रखना है, जोया को भी रखना है, मैंने इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, ये देखिए मेरे फोरहेड पे देखिए पसीना आ रहा है, मैंने किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।